गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए। तो आज मैं अपने लिए एक न्यू लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पुराना लैपटॉप है वो बहुत ही टूट चुका है। मैं आपको उसकी हालत दिखाता हूँ कैसी है। एंड तो अभी मैं जा रहा हूँ DLF मॉल साकेत। देखते, मैंने 2-3 लैपटॉप देखे हैं, एच पी का और एक डेल का। बट अगर मेरा मूड बना तो मैं मैकबुक भी ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई वॉन्ट कि वो बहुत लॉन्ग चले और अच्छा चले। तो मैं आपको उसकी हालत दिखाता हूँ मेरे लैपटॉप की कैसी है एक बार। तो गाइस, मेरे लैपटॉप की कुछ ऐसी हालत है, ये यहाँ से एक तो टूटा हुआ है और इसका ये वाला जो हिंज है पूरा टूटा हुआ है, तो ये पूरा ऐसे हो रखा है। वो तो आपने देखा मेरे लैपटॉप का क्या हाल है, तो इसीलिए मेरे को एक न्यू लैपटॉप चाहिए। इसको बहुत टाइम हो चुका है, 5-6 साल हो चुके हैं। बट ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, बट न्यू भी मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं और मेरी बहन भी काम करती है मेरे लैपटॉप पे। तो इसीलिए अभी मैं आपको मिलता हूँ, रेडी हो गए। सो गाइज, मैं हो गया हूँ रेडी और ये मैंने स्वेटशर्ट पहनी, जीन्स और अभी मैं चप्पल पहन रहा हूँ। तो फटाफट चलते यार मॉल, वहाँ से लेते हैं हम लैपटॉप। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा लैपटॉप ले रहा हूँ और फटाफट चलते हैं। गाइज, मैं मॉल पहुंच गया था और जो फ्यूचर वर्ल्ड यहाँ पे शॉप है वो बंद है। बट मैंने कॉल पे बात करी थी तो उस टाइम उस लड़के ने नहीं इन्फॉर्म करा हमें कि वो बंद है। तो जस्ट फ्यूचर वर्ल्ड के साइड में ही यहाँ पे क्रोमा की शॉप है, तो मैं क्रोमा आ गया हूँ यहाँ पे लैपटॉप लेने के लिए। और मैंने पूछा भी है तो उनके पास अवेलेबल है, बट मैंने 2-3 देखे हैं। बट अब मेरा मन एप्पल पे ही आ चुका है, तो मैं मैकबुक ही लूँगा। तो मैंने मैकबुक एयर लिया है, अभी मैंने उसमें न्यू पीस मंगाया है। तो वो न्यू पीस आता है, अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ कैसा है वो लैपटॉप। सो गाइस, फर्स्ट मैंने ये डेल का देखा था, ये वाला मॉडल, क्योंकि मेरे को अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक तो पतला भी है और छोटा और अच्छा है यूज़ करने में। बट इसमें अभी फ्रेश पीस नहीं है तो इसीलिए मैं कोई और देखूँगा। एंड सेकेंड ऑप्शन मैंने देखा था ये वाला HP Pavilion, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत पतला है, लाइट वेट बिल्कुल, LEDs की डिस्प्ले है। बट थोड़ा क्योंकि मेरे को एडिटिंग वगैरह भी करनी है तो ये थोड़ी छोटी स्क्रीन है। और मैंने एक ऑप्शन देखा था, ये वाला HP Pavilion, तो ये वाला भी मेरे को अच्छा लगा। बट इसका ऐसे ब्लू कलर है, बट मेरा मन अभी जिस पे आ रखा है वो मैं आपको दिखा। Years later. आ गया था और ये रहा लैपटॉप। तो अभी इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा लैपटॉप,
गोल्ड कलर, और ये बहुत ही स्लीक है, देखो बहुत लाइट वेट है। एंड इसके बॉक्स के अंदर हमें एक अडाप्टर और ये बस वायर मिली है, बस यही था बॉक्स में। सो गाइज, ये है मेरा पुराना वाला लैपटॉप एंड ये है मेरा न्यू वाला लैपटॉप। सो मैं आपको दोनों में दिखाता हूँ कि क्या ये कैसे दिखता है और ये कैसे दिखता है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सो गाइज, ये दोनों लैपटॉप ओपन हो चुके हैं एंड आपको डिफरेंस पता लग ही रहा होगा, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो रेटिना डिस्प्ले है एंड ये LED डिस्प्ले है। इसका कुछ कीपैड ऐसे है एंड इसका कुछ ऐसे है। एंड अब साइज पता लगे क्या होगा आपको, ये देखो ये इतना पतला है एंड इसको तो एक हाथ से उठाना भी मुश्किल है। ये देखो ये कुछ, ये देखा बंद हो गया क्योंकि इसका जो हिंज है ये ख़राब है, तो ज़रा से इधर उधर होता है तो बंद हो, देखो फिर हो गया। तो ये कुछ है एंड इसका टच देखो आप, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही स्मूथ। और ये भी फुल ब्राइटनेस पे, लोएस्ट इसका ये है एंड सबसे हाई ये है। सबसे मेन इसमें कोई आपको टच वाला फंक्शन नहीं मिलेगा, जैसे इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है ये, तो आप इसको दबाओगे तो ये खुल जाएगा। एंड बस यही था मोटा मोटा डिफरेंस, बाकी सब मैकबुक तो के आप। साथ साथ मैंने ये भी एक बैग लिया था नियो पैक का एंड इसमें कुछ ऐसे स्टोरेज है पूरी। ये कपड़ा अच्छा मटेरियल का है, इससे क्या है आपके लैपटॉप में स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगेंगे। एंड ये नियो पैक ब्रांड का है, यहाँ पे चार्जर के लिए दिया हुआ है। ये वेलक्रो खोल के यहाँ से आप चार्जर डाल सकते हो, फोकस नहीं हो रहा, एंड बस यहाँ से आप बंद कर दो। सो वेलकम बैक गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया था कि मैं लैपटॉप लेके आ चुका हूँ, बट ये लैपटॉप लेने में मेरे को इतनी दिक्कत हुई, मेरे को इतना भागना दौड़ना पड़ा इसके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर वर्ल्ड बंद है और मैं क्रोमा से जाके ले रहा हूँ। तो मैं क्रोमा गया था, वहाँ पे उन्हें दो तीन जो मैं लैपटॉप मैंने देखे थे वो मैंने आपको दिखाई वीडियो पे। हुआ क्या, एक मैंने जो चेक करा था उसमें उनके पास न्यू पीस नहीं था। सेकेंड वाले में मेरे को डाउट आ गया था क्योंकि उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं था। एंड थर्ड जो था वो एप्पल और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था। एंड तो मैंने घर वालों ने भी यही बोला कि अगर एक टाइम हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तू अच्छी चीज़ ही ले। तो उसके बाद मैंने जब, तो वहाँ पे जो लड़का काम करता था मैंने उसे बोला कि भाई आप मैकबुक एयर में न्यू पीस निकाल दो। तो वो गया, उसने स्टॉक वॉक जब चेक करा तो पीस था, बट जो मेरे को गोल्ड कलर चाहिए था वो नहीं था। तो फिर मेरे साथ लॉल हो ही गया था तब। तो उसके बाद मैंने एप्पल जो साइड में था वहाँ पे शॉप में कांटेक्ट करा, मैंने बोला मेरे को लैपटॉप लेना है, आप किसी को भेज दो फटाफट, मेरे को चाहे बाहर से ही दे दे लैपटॉप, बट मेरे को लैपटॉप चाहिए चाहिए। तो हमने फिर क्रोमा से वापस हम फ्यूचर वर्ल्ड गए मॉल में, उनके पास हमने वेट करा अराउंड 40 मिनट बाद वो आया, उसने लैपटॉप दिखाया, हमने पेमेंट करी, वो लैपटॉप लिया और फिर हम घर आए। बट जो बटर स्मूथ है वो लैपटॉप चलने में ना, बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही अच्छा चल रहा है, मैं तो बड़ा खुश हूँ उसको लेके। एंड आगे देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि एप्पल मैकबुक में फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास आईपैड है, आईफोन है, बट ये लैपटॉप मैंने पहली बार लिया है। एंड देखते हैं इसका रिव्यू कैसा रहता है।
एंड मैं आपको अगली या जब भी मेरे को टाइम हो जाएगा लैपटॉप यूज़ करे हुए तो आपको इसका एक रिव्यू ज़रूर दूंगा कि कैसा चलता है, कोई दिक्कत तो नहीं है लैपटॉप में, क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और आपने देख ही लिया होगा कि मैंने कैसे लिया है लैपटॉप। तो गाइस बस यही था इस वीडियो में एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। और जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एंड तब तक स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।